हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। तो हमें एक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 और इसकी टू जीरोज गिवन है। तो ये चीज गिवन है, इसकी बाकी की जो जीरोज होगी वो हमें फाइंड करनी है। यहां पे प्यारे बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जो उसकी डिग्री होती है, जैसे हमारे पास ये जो एक पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री क्या है, जो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स की, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है, पावर 4 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4। तो इसकी कितनी जीरो होगी, ज्यादा से ज्यादा इसकी 4 जीरोज होगी। अब हमारे पास 2 तो हमारे पास ये रही, 2 और हो सकती है इसकी, जो बाकी की 2 बची है वो हमें फाइंड करनी है। यहां पे ये क्वेश्चन है। अब हम लिखेंगे कि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम लिखेंगे कि गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है, 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। ये हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जीरोज गिवन है आल्सो, जीरोज ऑफ, इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, अभी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। गिवन पॉलिनोमियल इज, यहां पे हम इसको कर लेते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल इज, इसको हम पी एक्स के इक्वल मान लेते हैं, गिवन पॉलिनोमियल इज आल्सो जीरोज ऑफ पी एक्स और √5/3 एंड -√5/3। अब आप देखेंगे कि सिंस √5/3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हम px मान रहे हैं, जीरो का मतलब यह है कि x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी। पॉलिनोमियल की जीरो का मतलब, जैसे अगर हम कहें कि px हमारा 2x - 4 है, तो x की जगह पे हम 2 रखेंगे तो p2 कितना हो जाएगा, 4 - 4 = 0। इसका मतलब जो 2 है वो पॉलिनोमियल की जीरो है, जो 2 है वो पॉलिनोमियल की 0 है। तो यहां पे जो √5/3 है वो 0 है px की, और ये √5/3 हमें किसकी जगह पे रखना है, x की जगह पे। तो सिंस x इज इक्वल टू √5/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, दिस इंप्लाइज x माइनस √5/3 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब देखो ये x इज इक्वल टू 2 अगर इसके 0 है, इसको इधर ले आओ, x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। फैक्टर होगा मतलब इसको अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। करके देख लो, 2x माइनस 4 है और x माइनस 2 से अगर करें तो 2 पे करेंगे तो ये 2x माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से
तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली x इज इक्वल टू माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री इज ए जीरो ऑफ पी एक्स। दिस इंप्लाइज इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये x प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स अब टू फैक्टर मिल गए। अब ये इसको नंबर में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जैसे मान लो 12 है, 12 का एक फैक्टर 2 है और 12 का एक फैक्टर 3 है, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हुआ 6। 6 भी तो इसका एक फैक्टर होगा, 6 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये फैक्टर है तो इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो भी फैक्टर होगा इसका, यानी कि उससे डिवाइड करने से भी हमें जीरो ही मिलेगी। अब यहां पे अब हम लिख सकते हैं सो एक्स माइनस रूट फाइव डिवाइड बाय थ्री और ये एक्स प्लस रूट फाइव बाय थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर पी एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। अब आप देखिए इस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखो ये x माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री है और ये x प्लस रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई थ्री इसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा फाइव डिवाइड बाई थ्री ये लिख सकते हैं इसको। अब यहां से अगर ये फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डिवाइड बाई थ्री इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखो ये बटे में डिवाइड में है तो हम क्या करते हैं, जो भी डिवाइड में उससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी ये फैक्टर ले लेगा। थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ एक्स। थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ये इसका फैक्टर होगा। अब जो पी एक्स है उस इससे डिवाइड करो आप उसको, पी एक्स है उसको डिवाइड करते हैं इससे, यहां पे कर लेते हैं थ्री एक्स रेस टू पावर फोर प्लस सिक्स एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और माइनस फाइव। इसको हम कर लेते हैं थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव से, यहां थ्री एक्स रेस्ट पर फोर है थ्री एक्स स्क्वायर तो हम किसे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर से, ये हो गया थ्री एक्स रेस्ट पर फोर और ये हो जाएंगे माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से हम कर रहे हैं तो माइनस के फाइव एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस ये इसके साथ कैंसिल, सिक्स एक्स क्यूब हमने लिख दिया माइनस के टू और प्लस के फाइव तो प्लस के थ्री रह जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के टेन एक्स और माइनस के फाइव। थ्री एक्स स्क्वायर है सिक्स एक्स क्यूब है, थ्री से सिक्स बनेगा टू से मल्टीप्लाई करने पे और एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कर बनेगा एक्स से करने पे, तो टू एक्स से कर दिया तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स क्यूब और टू एक्स से करेंगे तो माइनस के टेन एक्स हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस इसके साथ ये कैंसिल इसके साथ ये कैंसिल, ये आ गया हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। अब ये भी तो यही है तो वन पे चला जाएगा, वन पे किया तो ये थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ये माइनस और ये प्लस
ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, जीरो तो रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब जो हमने काम किया वो सही किया। अब देखिए बाय डिवीजन, बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं क्या डिविडेंड 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5। 3x^4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5 दैट इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट। 3x² - 5 मल्टीप्लाइड बाय x² + 2x + 1 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो जीरो ही है हमारा, तो इसको तो बेशक आप छोड़ दो। अब देखो आप, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, एक फैक्टर तो ये रहा, इस फैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग तो जीरो हमें मिल गई थी, ये दो जीरो तो उसने बता ही रखी थी, तो इस फैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग जो दूसरी जीरो मिलेंगी, बाकी की जो दो जीरो मिलेंगी वो इस फैक्टर की कोरस्पॉन्डिंग मिलेंगी। नाउ फॉर अदर जीरोज ये ले गया x² + 2x + 1। अब प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी जीरो निकालने के लिए आपके पास एक तो वही तरीका है जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में किया है। तो हमारे पास इसका सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 2 और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 × 1 = 1। तो यहां से इसकी और इसकी यहां पे जो इसका कोएफिशिएंट है, अब देखो 1 और 1 की अगर हम करेंगे तो 2 ही मिलेगा आगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे x लगा के, तो हम लिखेंगे x² + 1x - x + 1x - x + 1। इसमें से x कॉमन आ गया x + 1 और ये तो हमारे पास x + 1 है ही है, x + 1 है ही है। अब ये देखो हमारे पास x + 1 कॉमन आ गया दोनों जगह से, यहां से x रह गया और यहां से 1 रह गया, ये वही है हमारे पास 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास एक बार हम x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे और यहां से भी x + 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहां से x की वैल्यू -1 और यहां से भी x की वैल्यू -1। अब लिख देंगे सो अदर जीरोज आर -1 और -1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे आपने क्या किया, जो दूसरा फैक्टर हमें मिला डिवीजन एल्गोरिथम के बाद, उसको उस पॉलिनोमियल की हमने जीरोस फाइंड की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जिस मेथड से हमने 2.2x का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उस तरीके से हमने इसकी बाकी की जीरो फाइंड कर ली। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि फलक में पूरा आया हुआ है कि नहीं, ठीक है ये पूरा है। यहां पे एक बात और नोट करने वाली है प्यारे बच्चों, जैसे ये एक पर्टिकुलर सी टाइप का क्वेश्चन दे दिया, यहां पे जो ये वाला पार्ट है इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, x² + 2x + 1 इसको आप देखो ये x² + 1² + 2 × x × 1, तो a² + b² + 2ab यानी कि x + 1 का स्केयर है ये, यानी कि x + 1 × x + 1 है, वहीं पे पहुंच गया। लेकिन ये गारंटी हमने यूज कर ली a² + b² + 2ab मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a + b इट्स होल स्केयर, a² + b² + 2ab। बट ये तो एक पर्टिकुलर बात होगी, अदरवाइज तो फिर हमें इसी मेथड से चलना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं हुई तो हमें इसी मेथड से चलना पड़ेगा,
तो हम इसी मेथड को फॉलो कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। रिकैप करते हैं, यहां पे हमारे पास टू जीरोस थी, हमने x माइनस सेकंड जीरो फैक्टर का दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले लिया, तो ये हमें एक फैक्टर मिल गया। इससे हमने px को डिवाइड कर दिया और डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया, रिमाइंडर हमारा जीरो मिलेगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। अब इसकी तो जीरो के कोरिस्पोंडिंग हमने इसको सोल्व ही किया था, दूसरा जो फैक्टर बचा है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसको जैसे हमने 2.2 एक्सरसाइज में सोल्व किया था इस तरह से सोल्व करके इसके फैक्टर बना लिए और फिर इसको जीरो के साथ इक्वेट करके इसके जीरो कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाता है। यार बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय ए पॉलीनोमियल जीएक्स। जब इसको जीएक्स से डिवाइड किया, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जीएक्स। तो जीएक्स हमें फाइंड करना है। अब इसको समझते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो जो चीज गिवन है, गिवन इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम क्या लिखते हैं, पीएक्स। पीएक्स इज x³ - 3x² + x + 2 x³ - 3x² + x + 2 किससे डिवाइड करना है, जीएक्स से डिवाइड करना है। और ये जीएक्स हमें फाइंड करना है कि होगा क्या। जब इसको जीएक्स से डिवाइड किया तो क्वेश्चन जिसको हम क्यू एक्स से लिखते हैं वो हमारे पास आया क्वेश्चन x - 2 और रिमाइंडर जिसको हम आर एक्स से लिखते हैं वो कितना आया हमारे पास, -2x + 4। तो जी एक्स हमें फाइंड करना है। अब आप देखिए कि ये हमारा पी एक्स है, ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा क्यू एक्स है, और इसको सोल्व करने के बाद हमें रिमाइंडर मिला आर एक्स। हम क्या लिख सकते हैं कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीनोमियल्स, फॉर पॉलीनोमियल्स हम क्या लिख सकते हैं कि पी एक्स दैट इज इक्वल टू जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अभी वैल्यू रख दो, पी एक्स है हमारे पास x³ - 3x² + x + 2 पी एक्स की वैल्यू रख दी हमने, पी एक्स ये हमने वैल्यू रख दी पी एक्स की। उसके बाद है जी एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू है x - 2 प्लस आर एक्स की वैल्यू है -2x, ब्रैकेट में कर लेते हैं -2x + 4। अब हमें जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये देखो कुछ ऐसे हो गया, जैसे इसको समझने के लिए सॉरी टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री और टर्म फोर, ये कुछ ऐसे हो गए, जैसे 5 दैट इज इक्वल टू x² - 2 + 3। हम इसको कैसे लिखेंगे, इस 3 को इधर ले आते हैं, ये तो हमारे पास कितना हो गया 5 = 2x + 3, ये 3 इधर आ जाएगा 5 - 3 = 2x, 2 = 2x
और ये 2 डिवाइड बाय आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास। अब देखो हम ये जो टर्म है इसको इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये माइनस का 2x इधर आके प्लस का 2x, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू जी एक्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अरे देखो हमारे पास क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x 3x हो गए, प्लस के 2 माइनस के 4 तो माइनस के 2, दैट इज इक्वल टू x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स। अब ये इसके डिवाइड में आ जाएगा तो जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो जी एक्स हमारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब इसके लिए हमें सोल्व करना है, इसको कैसे करेंगे आप, जी एक्स की वैल्यू निकाली थी ना, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो इसके डिवाइड में ये लिखा तो किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स के। तो डिवाइड कर लेते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं पॉलीनोमियल्स को, तो ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसकी x माइनस 2 से डिवीजन करनी है, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, रिमाइंडर 0 आएगा ये बात ध्यान रखोगे। अब आप देखेंगे यहां x है या एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर से कर लेते हैं, तो ये एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो इसके साथ तो ये कैंसिल, माइनस के 3 और प्लस के 2, तो माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 एक्स स्क्वायर पे तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस 2। अब ये x है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस एक्स से कर लेते हैं, तो माइनस एक्स से करेंगे तो यानी कि हमारे पास ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2x आ जाएंगे। अब ये प्लस और ये माइनस, तो इसके साथ ये कैंसिल, 2x और 3x और माइनस के 2x, x रह गया और माइनस 2, देखो यही है, तो 1 पे आ जाएगा, तो ये x माइनस 2, तो ये माइनस और ये प्लस, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो 0 आ जाएगा। अब कहने का मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखो मैं अगर यहां 8 डिवाइड बाय 2 लिखूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा ना, क्योंकि जब 8 को 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 हो गया, तो 0 आ गया, यानी कि यहां पे मिल गया आंसर, तो यहां पे ये आंसर मिल जाएगा हमें, तो gx की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास जो gx है वो क्या हो जाएगा, gx दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। प्यारे बच्चों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको जानकारी अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक हमें और बेहतर काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो लगातार जब भी आप वीडियो देखें कि वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।